ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III की हुई ताजपोशी किते हजारा करोड़ रुपए खर्च। ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर एबे चर्च के ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III और महाराणी कैमिला का ताजपोशी समारोह बड़े ही धूमधाम के नाल आयोजित किया गया। इस दौरान आर्च बिशप ने सारिया रस्मों तो बाद किंग चार्ल्स नू सेंट एडवर्ड का ताज पहनाया। जिक्रयोग है कि ब्रिटिश शाही परिवार की 70 साल बाद ताजपोशी हुई है। इस तो पहला 1953 महाराणी एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई सी। उस समय चार्ल्स की उम्र करीब 4 साल सी, जबकि हुण किंग चार्ल्स 74 साल दे हो चुके ने। दस दिए कि सब तो पहला चार्ल्स नू राजे दे वजों लोका सामने पेश किया गया सी। इस दौरान उन्होंने सिंघासन के सामने एबे वल मूह करके खड़ा किया गया सी। आर्च बिशप वालों अपनी ताजपोशी का ऐलान करने तो बाद चार्ल्स ने ईसाइयों की पवित्र किताब के उपर हाथ रख के सौं चुकी। सौं के दौरान उन्होंने कहा कि मैं राज करन नहीं सेवा करन आया हाँ। ताजपोशी के विच शामिल होने वाले लोगों ने गॉड सेव द किंग गाना गा के उन्होंने संबोधन किया। उथे ही आर्च बिशप ने इस समारोह के विच मौजूद सारे धर्मां दे लोकां नूं संबोधन करदिआं उन्हां दा धन्नवाद जताया। उथे ही उन्हां ने कहा कि चर्च ऑफ इंग्लैंड अजिहे माहौल नूं उत्साहित करदा है जिस दे विच सारे धर्मां दे लोकां दा बराबर सत्कार किया जांदा है। चार्ल्स ने फिर हमेशा कानून की पालना करन अते एक वफादार प्रोटेस्टेंट रहन की सहुं चुकी। दस दिए कि इस धूमधाम भरे समागम दे विच लोकां ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अते ताजपोशी का आनंद माणिया। ढेरां लोकां दी मौजूदगी दे विच ब्रिटेन दे राजा चार्ल्स III दी ताजपोशी हुई है जिस दे दौरान उन्होंने हजारा करोड़ रुपए भी खर्च किते। इस ताजपोशी समारोह की समाप्ति के नाल ही एबे चर्च के विच ब्रिटेन के राजा चार्ल्स अते महाराणी कैमिला दा बड़ी ही रस्मां दे नाल सेंट एडवर्ड दा ताज पहनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN राय।